अब ये बता दीजिए, जब आपने मोदी जी का जिक्र किया है तो भाई सब अपने जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि आपकी सरकार में सिर्फ दो लोगों की चलती है। ये कहने वाली बात है कैबिनेट के अंदर में, जितना हर कैबिनेट मंत्री बोल सकते हैं, जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आज तक का भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा कैबिनेट नहीं रहा होगा। कितना लंबा हमारा कैबिनेट मीटिंग चलता है, और मोदी जी के बराबर सुनने वाला इस दुनिया में मैंने आज तक ना सुना है ना देखा है। इतना क्षमता है उनमें लोगों का बात सुनने में, उसको बात सुनते हुए फिर उसका समाधान निकलना। कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, जितना हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर और हमारा कैबिनेट के अंदर चलता है, आज तक किसी सरकार में ऐसा प्रावधान नहीं रहा है। और ये जो आप लोग सोचते हैं कि दो आदमी एक आदमी इस तरह का लेवल लगा के आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स नैरेटिव है उनकी तरफ से। एक सवाल मेरा यहाँ पर कि आप लॉ मिनिस्टर रहे हैं, अभी मुस्लिम रिजर्वेशन और ये तमाम चीजें उठ रही हैं, क्या कांग्रेस के काल में कुछ ऐसा हुआ था मुस्लिम रिजर्वेशन को लेके, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ ऐसी स्टडीज हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो संविधान को लेकर के बहुत मजाक उड़ा चुके हैं हमारा देश में। सबसे ज्यादा संविधान का संशोधन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। अब हमको कहते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम तो संविधान को पक्का रक्षा करने वाला हम है, तो लेकिन कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम रिजर्वेशन का बात पहली बार कांग्रेस ने की है, कर्नाटका में मुस्लिम रिजर्वेशन का बात पहले कांग्रेस ने की है। अब देश भर में मनमोहन सिंह जी ने 2006 में जो भाषण दिए थे उसमें भी क्लियर लफ्जों में कहा, उन्होंने माइनॉरिटीज कह करके अंत में फिर कहा कि मुसलमानों को इस देश में नेचुरल रिसोर्सेस पर हमारा सबसे पहला हक मुसलमानों के पास है। जी देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन या कोई भी धर्म का रिजर्वेशन का बात किसी भारतीय नागरिक को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान इसका परमिशन नहीं देते हैं। इसलिए मैं पूर्व कानून मंत्री होने के नाते भी मैंने बहुत बारीकी से संविधान और संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी उसका भी मैंने बहुत गौर से मैंने अध्ययन किया है। कांग्रेस पार्टी कभी ना कभी ये कोशिश वो किया है और आगे भी करते रहेंगे कि मुसलमानों को प्राथमिकता कैसे दिया जाए और फिर रिजर्वेशन करके मुसलमानों को वोट बैंक कैसे बनाया जाए, ये उसका दृष्टि है। हम लोग ये होने नहीं देंगे, किसी धर्म के नाम पे इस देश में कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता।